जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6 जकरियाह 6। मैंने जो फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि दो पहाड़ों के बीच से चार रथ चले आते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं। पहले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले और तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा कि हे मेरे प्रभु ये क्या है। दूत ने मुझसे कहा ये तो आकाश के चारों वायु है जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं परंतु अब निकल आए हैं। जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर देश की ओर जाता है और श्वेत घोड़े उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और चितकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं और बादामी घोड़ों ने निकलकर चाहा कि जाकर पृथ्वी पर फेरा करें। सो दूत ने कहा जाकर पृथ्वी पर फेरा करो। तब वे पृथ्वी पर फेरा करने लगे। तब उसने मुझसे पुकार कर कहा देख वे जो उत्तर के देश की ओर जाते हैं उन्होंने वहां मेरे प्राण को ठंडा किया है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि बंधुवाई के लोगों में से अर्थात हेल्दे और तोबियाह और यदायाह से कुछ ले और उसी दिन तू सपन्याह के पुत्र योशिया के घर जिसमें वे बाबुल से आकर उतरे हैं उसमें जाकर उनके हाथ से सोना चांदी ले और मुकुट बनाकर उन्हें यहोवा यहोसादा के पुत्र यहोशु महायाजक के सिर पर रखना और उससे यह कहना कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि उस पुरुष को देख जिसका नाम पल्लव है वह अपने ही स्थानों में मानो उठकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और वही महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा और सिंहासन पर विराजा हुआ याजक भी बनेगा और दोनों के बीच मेल की समाप्ति ठहरेगी और वे मुकुट हेलेम तोबियाह यदायाह और सपन्या के पुत्र हेन को मिले कि वे यहोवा के मंदिर में स्मरण के लिए बने रहे। फिर दूर दूर के लोग आकर यहोवा के मंदिर बनाने में सहायता करेंगे और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को पालन करोगे तो यह बात पूरी होगी।